सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं लेकर के आया हूँ हैवॉक ओएस का ऑफिशियल बिल्ड रेडमी नोट 9 प्रो के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन है हैवॉक ओएस का, तो ये एकदम स्टेबल वर्जन है और काफ़ी ज़्यादा मलाई की तरह चलता है, एकदम स्मूथ। सो आप जो है वीडियो को पूरा देखना। और आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, तो मैं यहाँ पर जो है लेटेस्ट वर्जन कुछ कोरस ओएस है और बाकी बहुत सारे रोम इसके आने वाले हैं अभी आगे, और उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो की, तो जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो जो भी नए लेटेस्ट रोम रेडमी नोट 9 प्रो के लिए आने वाले हैं अभी, और इसके वीडियोज़ भी आने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैवॉक ओएस, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर डार्क मोड रखा हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं डार्क मोड यहाँ से हटा रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हैवॉक ओएस 3.7, और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच आपको 5 जुलाई का मिल जाता है, एंड यहाँ पर कर्नल जो है आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ पर कर्नल को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, कस्टम कर्नल को, लाइक यू की कर्नल हो गया या फिर केओ कर्नल हो गया, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ये अच्छे से सपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको पसंद है कोई कस्टम कर्नल। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ अच्छे से वॉक कर रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जियो और एयरटेल की सिम मैं लगाया हूँ, यहाँ पर डुअल वोल्टी भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने चेक कर लिया, वाईफाई ब्लूटूथ अच्छे से वॉक कर रहा है, सो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे साइलेंट जो है वॉक नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए रिंग है, यहाँ पे वाइब्रेट हो गया है, तो ये मेरे में तो अच्छे से वॉक कर रहा है गाइज। अगर आप में नहीं कर रहा है तो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस पहले सही से देखना कि कैसे इंस्टॉल करना है गाइज, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो है अच्छे से वॉक नहीं करता आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस बार है, और स्टेटस बार में कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क स्पीड है जो यहाँ पे अभी इस वक्त शो कर रहा है, एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अच्छे से वॉक कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो, यहाँ पर जब इसको इनेबल कर दोगे तो यहाँ पर हैवॉक का लोगो आएगा। अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे डुअल टैप टू स्लीप है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है, एंड यहाँ पर आपको आइकन स्टाइल मिल जाता है, तो आप यहाँ से जो है इसको देख सकते हो, जो कि बैटरी कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे सर्कल कर दोगे तो यहाँ पे देखिए सर्कल हो जाएगा, एंड यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पे अगर आएँ तो यहाँ पर आपको परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इसके अंदर कर सकते हो, अगर आप इसके अंदर चाहते हो तो इसके अंदर हो जाएगा, एंड इसके बाहर अगर चाहते हो तो बाहर भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पे बैटरी बार का ऑप्शन मिलता है, ये बैटरी बार का ऑप्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखता है, जब आप डार्क मोड पे जाओगे तो आपको जो है ऊपर बार दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर का एक बार दिख रहा है, सो इसी को बैटरी बार बोलते हैं, एंड यहाँ पर ये अच्छे से वॉक करता है, मैं दिखा दिया हूँ आपको। सो डार्क मोड पर पता चल रहा है अभी आपको, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन, यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो इसको मैंने छोटा किया अभी, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे मैं इसको अभी बंद करता हूँ तो आप यहाँ पर अभी देखना कि ये थोड़ा सा बड़े में आता है गाइस, अभी देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं इसको अभी इनेबल कर दूँ तो यहाँ पर ये छोटा हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। आप इसको इनेबल यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्विक सेटिंग में अगर आएँ तो क्विक सेटिंग में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पर मिल जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं एक एक बताऊँ आपको तो वीडियो बहुत लंबी यहाँ पे हो जाएगी गाइज। एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाएँ तो लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो डुअल टैप टू स्लीप का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर म्यूज़िक विजुअलाइज़र का भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर पॉकेट डिटेक्शन है, यहाँ पर इसको इनेबल कर लो, क्योंकि जब भी पॉकेट में रखोगे तो आपका कोई चीज़ यहाँ पर टच ना हो या कॉल आए कुछ ऐसा है तो उठे ना, तो ये इसके लिए है। एंड यहाँ पे स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, लॉक आइकन, यहाँ पे चार्जिंग इन्फो, आपको सारी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले में अगर हम लाएंगे तो एम्बिएंट डिस्प्ले में आप देख सकते हो डुअल टैप है, पिकअप है, एंड यहाँ पे हैंड वेव का भी ऑप्शन है, आप हैंड वेव करोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, एंड यहाँ से आप इसका जो है यूज़ कर सकते हो, सो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे बटन्स में अगर हम आएंगे तो बटन्स में आप सिस्टम नेविगेशन में आओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का जेस्चर है, यहाँ पे आप बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड 10 वाला जेस्चर अभी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर पावर मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पर जब इसको पावर बटन को प्रेस करोगे होल्ड, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको कई सारे ऑप्शन इनेबल करने हैं तो यहाँ से आप जो है इसको इनेबल कर सकते हो इस तरीके से।
अब यहाँ पर जब आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन यहीं से मिल जाएंगे जिसका यूज़ आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक गाइस। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो गाइस। उसके बाद मैं बैक करता हूँ अभी यहाँ पर, तो नोटिफिकेशन में अगर आप आओगे तो नोटिफिकेशन में आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, तो आप जो है यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड है, यहाँ पे फेडेड है, तो आप जिसका यूज़ करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। एंड यहाँ पे ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल है, यहाँ पे ब्लिंक फॉर कॉल वेटिंग, तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स अभी दिख जाती हैं, तो आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हो यहाँ पर चेकआउट करके। एंड यहाँ पर स्क्रीन पर आओ तो स्क्रीन पर आपको देखिए यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाती हैं फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो ये इनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप बंद करोगे तो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर रेडियस, यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, तो इससे आप कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। एंड यहाँ पे एनिमेशंस में आओ तो एनिमेशंस में आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, एक्टिविटी क्लोज एनिमेशन, टास्क ओपन एनिमेशन। एंड यहाँ पे जैसे सिस्टम एनिमेशन होता है उस तरीके यहाँ से उस तरीके से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, अपने हिसाब से आप जो है एनिमेशन भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। मिसलेनियस में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको गेमिंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है जिसका यूज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक डायनेमिक मोड का भी ऑप्शन मिलता है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड एक चीज़ बताऊँ तो गेमिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बिकॉज़ ये स्टेबल वर्जन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात आने वाली नहीं है। उसके बाद आपको सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। बैटरी की अगर बात करूँ तो बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 2 डेज रिमेनिंग, सो अभी बता सकता हूँ या बता रहा है यहाँ पे कि 2 दिन आपकी बैटरी चल जाएगी। सो आपकी यूसेज के ऊपर है, आप किस तरीके से मोबाइल को यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बैटरी कैसी देगी बैकअप, तो यूसेज के ऊपर होता है गाइस। अगर हार्ड यूज़ करोगे तो उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, अगर लाइट यूज़ करोगे तो आप जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप आप 3 दिन इसका यूज़ कर सकते हो, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आता हूँ तो डिस्प्ले में आपको मैंने डार्क थीम दिखाई दिया है, काफ़ी ज़्यादा कूल इसका डार्क थीम है गाइस। जब आप यहाँ पर इनेबल करोगे तो आप खुद ही देखोगे। यहाँ स्टाइल्स एंड इमेजेस में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आप जो है एक कस्टम थीम आप यहाँ पे बना सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी फॉन्ट को यहाँ यूज़ करके आप काफ़ी सारी कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो इस कस्टम के उससे। एंड यहाँ पे क्लॉक के ऑप्शन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लॉक के ऑप्शन मिल जाते हैं नए नए, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें वॉकिंग में अभी मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वॉक करता है, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया अभी, तो अभी अप्लाई हो गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए हो जाती है। वॉलपेपर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी जो है अच्छे से वॉक कर रहा है, सो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका आप जो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे मैं हैप्टिक फीडबैक को अभी यहाँ पे इनेबल किया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक वर्क करता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखिए साउंड में मिल जाते हैं जिसका आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर देखते हैं अभी सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में आपका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिंगर लगाया, आप देख सकते हो अनलॉक हो गया है। अभी मैं फेस अनलॉक से खोलने वाला हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं अपना फेस दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत यहाँ पर ओपन हो गया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉकिंग में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ वॉक करता है, सो आप यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अभी एक चीज़ और आती है बात कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लाइट है वो वॉक कर रही है या नहीं, तो वो वॉक कर रही है गाइज, मैंने चेक किया था चार्ज में लगा के, तो यहाँ पे वॉक कर रहा है। एंड नोटिफिकेशन भी आएगी तो भी आपका वॉक करेगा, सो यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पर कॉल भी अच्छे से वॉक कर रहा है एंड यहाँ पर आप सारी चीज़ें। ओके गाइज, यहाँ पर देख सकते हो कैमरा भी अच्छे से वॉक कर रहा है, तो आप इसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर हो जाएगी, ठीक गाइज। अभी बात आती है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर आप आइकन देख सकते हो कुछ यहाँ पे एक अलग तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन है, तो इसमें यहाँ पर इनेबल किया गया है, इसमें इस आइकन को यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइज। यहाँ पर जब मैं डिस्प्ले में अगर जाऊँगा, यहाँ पर स्टाइल्स एंड वाल पेपर में जाऊँगा एंड यहाँ पर कस्टम पर अगर जाऊँगा, तो यहाँ पर जब इसको नेक्स्ट करोगे आप अपने हिसाब से फॉन्ट को देख करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं गया एंड यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे चूज़ शेप यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे आइकन के शेप मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात आपके लिए हो जाती है गाइज।
तो अभी बात आती है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो है आपका नोटिफिकेशन लाइट वॉक कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से वॉक कर रही हैं, कॉल भी जा रही है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पे मैजिक स्कोर आप इंस्टॉल करोगे अगर आप इसको रूट करना चाहते हो तो, फिलहाल के लिए तो अभी रूट नहीं है ये, अगर आप इसको रूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्ले स्टोर स्टोर सारे अच्छे से वॉक कर रहे हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैंने आपको अब यहाँ पे पावर ऑफ किया, यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाएंगे हम यहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी ये TWRP में बूट होगा गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको वही वाला पैटर्न डालना है, स्क्रीन लॉक वाला, जहाँ पे यहाँ पर पूछता है, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देता है डाटा को ये। ओके, सो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, वाइप में आना है। वाइप में आने के बाद डेल्विक डाटा एंड कैच। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इसको इंस्टॉल करना इस रोम को, तो आप जो है 11.0.9.0 ग्लोबल रोम पे होने चाहिए। ओके, तभी आपका जो है सारी चीज़ें अच्छे से वॉक करेंगी, बिकॉज उसका बेस जो है यहाँ पर 11.0.9.0 है, इसलिए आप उसी पे रहना गाइस, उसके बाद ही इस रोम को इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर आपका किसी और रोम पे हो तो सबसे पहले आप ग्लोबल पे जाना, उसको उसको बूट करा के सेटअप करना, उसके बाद इस हैवॉक ओएस को जो है इंस्टॉल करना। अगर आप किसी और पे करोगे तो आपको थोड़े बहुत बग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप जो है वहाँ पर कमेंट में मुझे कहते हो कि आप ये वॉक नहीं कर रहा, वो वॉक नहीं कर रहा है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आप पहले ग्लोबल पे ही रहना, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल करना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आया, एंड यहाँ पर आपको जो है ये हैवॉक वाली फाइल यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देनी इस तरीके से। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि इस फाइल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, एंड आपको यहाँ से इस तरीके से फ्लैश कर देना, ठीक है गाइज। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प कर दूँगा। एंड गाइज 1K तक सब्सक्राइबर पहुँचा दो गाइज, एंड प्लीज़ 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 पहुँचा दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय गाइज़।